जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आज स्मार्ट वेपन टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करके डीआरडीओ ने पूरी करी हैट्रिक। आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल की बस पर हुआ एक बड़ा हमला। चाइनीज वायरस की वजह से भारत और चीन दोनों की ही ताकत पर पड़ा असर। अगले साल के सेकेंड हाफ तक टेस्ट की जा सकती है अस्त्र मार्क 2। और इंडियन आर्मी ने हाई अल्टीट्यूड टेरेन पर कंडक्ट किए स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए टैक्टिकल और लॉजिस्टिक ड्रोन्स के इवैल्यूएशन ट्रायल। ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRSM, पिनाका ER रॉकेट सिस्टम और संत एंटी टैंक मिसाइल। तो इन वेपन्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के बाद आज DRDO ने एक और नए वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है, जो कि है लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट के नाम से जाना जाता है। और इस स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का जो परीक्षण था वो ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है। और असल में ये एक नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है, जिसे खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए विकसित किया गया है। इस मिसाइल को भी हाई प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसमें भी अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव सीकर्स का इस्तेमाल किया गया है। और इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये किसी कन्वेंशनल टॉर्पेडो की रेंज के बियॉन्ड जाकर भी नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को और बढ़ा सके। और आज के इस टेस्ट के दौरान मिसाइल की फुल रेंज कैपेबिलिटी को डेमोंस्ट्रेट किया गया था। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये एक टेक्स्ट बुक लॉन्च था और मिसाइल की एंटायर ट्रेजेक्ट्री को मॉनिटर करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम, अलग अलग रेंज की रडार्स जिनमें डाउन रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन और डाउन रेंज शिप्स भी शामिल थी, तो इन सभी को इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो अपने अंदर एक टॉर्पेडो को कैरी करता है और फिर जरूरत पड़ने पर मिसाइल रूपी कैरियर से टॉर्पेडो को अलग करने के लिए पैराशूट डिलीवरी सिस्टम और एक खास तरह के रिलीज मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो कैरियर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं और जिनमें 2-stage सॉलिड प्रोपल्सन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स और प्रिसिशन इनर्शियल नेविगेशन भी शामिल है। और इस मिसाइल को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया जाता है। और ये जो मिसाइल है इसे किसी भी रेगुलर सुपरसोनिक मिसाइल की तरह ही वॉरशिप या फिर ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। और जब ये मिसाइल मिड एयर होती है तो उस दौरान इसके अधिकतर उड़ान को लोअर एल्टीट्यूड पर ही कवर किया जाता है। और फिर जैसे ही ये मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचती है तो फिर उसके बाद इस मिसाइल के अंदर मौजूद टॉर्पेडो को पानी में इजेक्ट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद वही टॉर्पेडो उस टारगेट को हिट करती है। और दुश्मन के सबमरीन तक पहुंचने के लिए जो टॉर्पेडो होती है वो नॉर्मली होमिंग गाइडेंस का ही इस्तेमाल करती है। और जहां तक बात है इस स्मार्ट वेपन सिस्टम की रेंज की, तो इसके रेंज को लेकर जो डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है उसके मुताबिक तो इसकी मैक्सिमम रेंज है 650 किलोमीटर। और वैसे इस क्लास में दुनिया का शायद ऐसा पहला वेपन है जिसकी इतनी अधिक रेंज है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि DRDO का ये स्मार्ट वेपन सिस्टम एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन शॉर्ट हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि ये स्मार्ट वेपन सिस्टम बहुत ही स्मार्ट तरीके से दुश्मन की स्मार्ट से स्मार्ट सबमरीन को भी पानी में डुबा देने की ताकत रखता है। और बाकी जिस हिसाब से DRDO भी एक के बाद एक टेस्ट किए जा रही है उसको देखकर तो मानो ऐसा लग रहा है कि DRDO भी फुल मूड में है। और अभी तो पिनाका ER, संत एंटी टैंक मिसाइल और अभी ये स्मार्ट वेपन सिस्टम, इनके एक के बाद एक टेस्ट करके तो DRDO ने हैट्रिक कर ली है। आज शाम को श्रीनगर के पंथा चौक वाले एरिया पर कुछ आतंकी द्वारा घात लगाकर पुलिस व्हीकल पर हमला किया गया था और जिससे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 14 जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्सनल घायल हुए थे और फिर जिसके तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और बेहद ही दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे इन घायल पुलिस पर्सनल में से हमारे दो पर्सनल जिनमें से एक है ASI और दूसरे हैं सिलेक्शन ग्रेड के कांस्टेबल, तो उनको बचाया नहीं जा सका और हमारे दोनों वीर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बाकी पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई है और उन इंसानी रूपी सुअरों की तलाश जारी है जिन्होंने इस कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जिन दो पुलिस पर्सनल ने इस हमले में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कायरतापूर्ण हमले को अंजाम देने वालों के खिलाफ हमारी फोर्सेस जल्द ही एक पर्याप्त कार्रवाई करेगी। और ये पर्याप्त कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए ये बात तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते ही हैं। और जबकि आज श्रीनगर में एक और ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान दो इंसानी रूपी सुअरों को होरीफाइड किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है और अभी इस वाले ऑपरेशन की भी अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। और जबकि एक अपडेट ये भी सामने आया है कि आज सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास BSF ने एक पाकिस्तानी महिला घुसपैठिए को ढेर किया है और ये घटना कल रात के RSPURA सेक्टर की है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक BSF ट्रूप्स ने सीमा के पास कुछ सस्पिशियस मूवमेंट को नोट किया था और जब उस महिला घुसपैठिए को स्पॉट किया गया तो उसे कई बार चेतावनी भी दी गई कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार ना करे, लेकिन उस पाकिस्तानी महिला घुसपैठिए ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को उल्लंघन करना जारी रखा जिसके परिणाम स्वरूप अलर्ट BSF ट्रूप्स को फायर करना पड़ा और उस घुसपैठिए को न्यूट्रलाइज कर दिया गया।
क्वाड 2.0 यानी कि भारत, इसराइल, यूएस और यूएई। तो इस नए ग्रुप में शामिल इन चारों देशों के विदेश मंत्री अगले साल मार्च के महीने में पहली इन पर्सन मीटिंग आयोजित कर सकते हैं और इस मीटिंग के दौरान इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। हालांकि इन चारों देशों के नए ग्रुप को ऑफिशियली तो कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह यह नया ग्रुप क्वाड 2.0 के नाम से ऑलरेडी प्रसिद्ध हो चुका है। और इस नए ग्रुप में कोई भी मिलिट्री एलिमेंट नहीं है और न ही ये किसी कंट्री के खिलाफ है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि लोवे इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत को चौथा स्थान मिला है, और जबकि इस लिस्ट में अमेरिका भी टॉप पर बना हुआ है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण इस साल इंडो पैसिफिक रीजन में चीन और भारत दोनों की ही पकड़ ढीली पड़ी है, और भारत को 2020 की तुलना में इस साल 2 अंकों का नुकसान भी उठाना पड़ा है, जबकि चीन को 1.5 का। और इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इस चाइनीज वायरस महामारी से भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भी एशिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर बना हुआ है। वैसे आपको बता दें कि जो ये लोवे इंस्टीट्यूट है, ये हर साल दुनिया के प्रमुख देशों की आर्थिक क्षमता, उनकी सैन्य क्षमता, आंतरिक स्थिति कैसी है, उनकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, दूसरे देशों से उनके आर्थिक संबंध कैसे हैं, उनका डिफेंस नेटवर्क कैसा है, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, ये सब कैसा है, तो इन सभी को स्टडी करके ही इस सूची को जारी करता है। आज रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से एक रिटर्न रिप्लाई में राज्यसभा को सूचित किया गया है कि एनडीए 2 2021 एग्जाम के लिए टोटल 5,75,856 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, और उनमें से 1,77,654 एप्लीकेशंस केवल फीमेल कैंडिडेट्स की तरफ से थी। और साथ ही बताया गया कि एनडीए में फीमेल कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को बनाया गया है, और जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है तो उसे ट्रेनिंग से पहले फाइनल कर लिया जाएगा, और जबकि मेडिकल स्टैंडर्ड यूपीएससी के नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया गया है। और साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि एनडीए एग्जामिनेशन के लिए फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए किसी भी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब जितने भी फीमेल एस्पिरेंट चाहें वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा आज रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से उन डिफेंस आइटम्स के बारे में भी राज्यसभा को सूचित किया गया है जो कि भारत दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, और जबकि कुछ ऐसे भी डिफेंस आइटम्स हैं जो कि भारत एक्सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण उनके नाम सामने नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि करीब 37 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत वेरियस इंडस्ट्रीज और खास करके एमएसएमईस और स्टार्टअप्स को दिए गए हैं, और इन 37 प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्टिंग है 1,91,19,28,932 रुपीस। अभी कितना है इसको आप खुद काउंट कर लीजिए। और जबकि ये भी बताया गया कि करीब 28,51,45,680 रुपए तक का फंड कई सारे डेवलपिंग एजेंसीज को अभी तक दिया भी जा चुका है, और इनमें से एक प्रोडक्ट को ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, और जबकि और भी कई सारे टेक्नोलॉजीज, ट्राई सर्विसेज और यूजर्स द्वारा एक्सेप्टेंस की एडवांस स्टेज में है। और ये भी बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर है तो उसने एरो इंडिया 2021 के दौरान इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस पीएसयू, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नैनी एरोस्पेस लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया था। इंडोनेशिया की तरफ से भारत के कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजीज में दिलचस्पी दिखाई गई है, और इसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया भारत के साथ कुछ जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें मिलिट्री व्हीकल्स और वाटर कैनन्स के जॉइंट प्रोडक्शन की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अस्त्र मिसाइल के मार्क 2 वेरिएंट का पहला परीक्षण अगले साल के सेकंड हाफ के लिए शेड्यूल किया गया है, और इस वर्जन को लेकर जो भी रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं उनके मुताबिक इस अस्त्र मार्क 2 की जो रेंज है वो करीब 160 किलोमीटर तक होने वाली है, और इसमें BEL द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए स्वदेशी सीकर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, और वो ये है कि इंडियन आर्मी द्वारा भारत की ही इंडस्ट्रीज द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए टैक्टिकल और लॉजिस्टिक ड्रोन्स के हाई एल्टीट्यूड टेरेन पर इंटरनल इवैल्यूएशन ट्रायल्स को कंडक्ट किया गया है। और बाकी आज के इतिहास पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि हमारे नवंबर महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन पब्लिश हो चुकी है, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मात्र 11 रुपए में बाय कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं आज के इतिहास की। तो आपको बता दें कि आज के दिन 1971 वॉर के दौरान इंडियन आर्मी ने संगमंग, खानसामा, कालियाकैर, दादपुर और मंगला बाजार इन जगहों को भी कैप्चर कर लिया था। और जबकि आज के दिन 2001 में भारत के पार्लियामेंट में भी आतंकी हमला हुआ था, और इस हमले में हमने अपने 6 दिल्ली पुलिस पर्सनल और 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस पर्सनल समेत टोटल 9 लोगों को खोया था। और ये हमारे वो वीर हैं जिन्होंने इस हमले के दौरान न केवल भारत के पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट किया बल्कि उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी को भी डिफेंड किया, और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।